बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है सब का? खैरियत नाल हो? खुश आमदी तुहानू अज दे नवें दिन ते नवें ब्लॉग दे विच। उम्मीद है कि तुसीं सब खैरियत नाल होवे, खुश होवोगे। मैं हां मोहम्मद अंसर ते तुसीं देख रहे हो पेंडू ब्लॉग। शुरू करदे हां आपां अज दा ब्लॉग ते सारयां वास्ते दुआ करदे हां कि अल्लाह पाक सारयां नूं खुश रखे, आबाद रखे। ते जिहड़ा जिहड़ा वीडियो रोज़ देखदा कमेंट करदा उहनां नूं उहनां दा भी दिल तों शुक्रिया। ते आपां शुरू करदे हां अज दी नवीं वीडियो, नवा दिन। अल्लाह का शुक्र है, राती भी अल्लाह की रहमत होंदी रही है ते काफ़ी बारिश हो गई है राती भी, इस करके अज थोड़ा जा लेट ही अपना चले हैं, अपने काम कुम शुरू करन लगे हैं। बाकी बाहर जाके देखते हैं कि हम की बने। फिलहाल मैं तुम्हें इतने के हालात दिखा रहा कि राती बारिश के नाल हवा भी बहुत तेज़ चलती पी थी, इस करके काफ़ी कुछ करना पाया। हम मैं तुम्हें दिखाना कि राती किया। मेरे पीछे तुम देख रहे हैं कि पुराना भड़ोला साडा है, छोटा सी, इनू फिर हवा के नाल ना हिली जाता है, इन्हू भी लम्मा पाता। तो हम मैं तुम्हें पाथियां दिखाना कि पाथियां कि इटा उटा रख के बचाया। फिलहाल देखो उत्ते छापर दे के इटा इन इस करके रखनिया पे हवा बहुत तेज सी, ना उड़ी जाता सी बार बार छापर, इस करके फिर इनू रख रख के इटा ना गोयां पाथियां ना गिलियां होने तो बचाया। तो शुक्र अल्लाह का निबड़ गया टाइम, बच बुच बचत हो गई है गिलियां गुलियां होने तो बाद, थोड़िया बहुत हुई जड़ियाँ साइडों पर रह गई थी तो बाकी बचत हो गई है। चलो हूँ आप चल रहे हैं अज के अपने काम शुरू कर दे, अपना दिन शुरू करते हैं। इंशाल्लाह गल्लां बातें करते रहेंगे। एक बार तोतियां का हाल अहवाल देख लीए। हेलो जी, माशाल्लाह अपनिया जोड़िया फिर तो ब्रीडिंग शुरू करने वाली, अल्लाह पाक खैर करे। एक ऐ बैठी है अपनी कुजी दे विच वड़ के, दूसरी वो सामने बैठी है अंदर। तो यह हूँ इंशाला जल्दी अंडे दे लैनगियां दो चार दिन के बिच बिच। इन्होंने भी नुकसान किया पाया, देखो इन्ह वास्ते जोड़ा झूला लाया से इन्होंने तोड़ दिता। अजक माशाला हूँ ना मौसम ठंडा जहा हो गया ना, इस करके ये आ गई हूँ सारिया अपने अपने घर वड़ के बैठिया हुई। देखो माशाला। चलो जी हूँ आप चलीए तो जाके करिए अपने अज के काम कुम, तो बाकी इंशाल्लाह नज़ारे नजूरे करते हैं बाहर जाके। अपनी सवारी जाती पई है अज, आप ले लिए लिफ्ट। पिंड दियां गलियां का देखो तुसी हाल, मीह पैने तो बाद सूरज भी अखा खोली जाता वा। तो अज जो धुप निकले तो गर्मी बहुत होगी क्योंकि जमीन बड़ी देर दी गर्म होई पई सी, भखी पई सी। ते हुण जदों जमीन च सेक मारूगी तो पई धुप। ऐ गली मैं लगता अपने पिंड दी अगे नहीं तुहानू दिखाई, ते अज फिर तुसी इह भी गली देख लो। अज तू बैठा इत्थे दिहाड़ी लाने दा रादा तां नहीं? अच्छा झूले वाला भाई हले आया नहीं तो झूले लैन आले डवा सी बैठे आगे। हलो जी आ गई एक आटे वाली चक्की। किन्नू आवाजा मार दे ओए, जिमीदारे च बस आ काम औखा जो मीह पै जाए, बाकी तो खिच धूए काम अस चला ही लेदा। तो बस जो मीह पै जाता ना उदो काम थोड़ा जा औखा हो जाता। तो ये यही है कि छुट्टी है नहीं, बारह महीने तुम बीमार हो तो कुछ भी हो काम तुम्हें करना ही पैना। चल चल शाबाश, अज तेरा ही आसरा वा तो अल्लाह का आसरा वा जी। आप पहुँच आए हैं तो थानू रात की जड़ी नेरी आई थी, नेर दे कमाल देखो, एक किकर गिर गई है तो एक दरम्यान चो तो टुट गई आ। कपाह भी देखो कुछ बूटे जड़े कमजोर से भी पुठे सीधे हो गए। तो हूँ चल के थानू पठिया का हाल दिखाने कि उन्होंने की बनया। आ लो जी आ पठिया का छत देखो, कल चंगे भले खड़े थे जो गए हैं तो अज देखो ये लम्मी पै गए हुए हैं सारे। ओ पर भी तुम हाल दिखाने इन्हों का।
देखो सारे लंबे पै गए हुए, ये हुण वढ़ने भी थोड़े जे मुश्किल ही होणगे। कुछ तो इत्थे पानी लग गया सी, कुछ बारिश ते काफ़ी ही तेज़ हवा चली सी नेरी, उहदी वजह तो देखो सारे ना डिग डुग गए, लंबे पै गए। कुछ वड्डे पए आ, तो चलो हुण आपां भी अपने औखे सौखे वढ़दे आ, तो फिर इन्हां नूं डिगदे ढहंदे घर लै के चलदे आ। तो राह 'च बाकी भी तुहानूं दिखावांगे कि बारिश दे नाल की होया। लो जी, आपां पट्ठे वढ लए ते चंगी कहानी वी इत्थे कर दित्ती आ। देखो पैरां दे निशान लगे होए, तो इधर फुल भी पा ले आ। देखो चंगे फुल बूटे पै गए अज, तो हुण जाके पैर पूर धोईए, पट्ठे लै के जाइए घर, बाकी गलबात करदे आ आपां फिर। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਖਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧੋ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਆਹ ਪੈਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਲਓ ਫਿਰ ਪੈਰ ਆਪਾਂ ਧੋ ਲਏ, ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੋਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਹਕੀਕਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਖੜ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਤਣਾ ਅਤੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਖੜ ਅੱਖੜ ਗਈਆਂ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਈ ਆ ਕਿੱਕਰ ਸਾਰੀ ਵੱਢੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਛਾਂਗ ਛੂੰਗ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਟਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਟੂਹਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਾਲਣ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਹਵਾ ਦਾ ਰਾਤੀ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਆਪਣੇ। ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰੀ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਉੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਘਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾਈਆਂ ਧੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਰੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੰਮ। ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਆਈ। ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੱਫੜ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਧੱਫੜ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਸਮ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਧੱਫੜ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਤੂੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਚੱਲਾ।
हूँ चलते हाँ तूड़ी एक बारी लिया के घर रखिए तो फिर बाकी का अगे देखते निजाम की बनता बाकी गल आप कर देंगे फिर बाद चो। हाँ जी उम्मीद है कि अज की वीडियो भी थोड़ा चंगी लगी होगी तो कोई ना कोई इनफॉर्मेशन थानू मिली होगी तो हूँ लैने आप इजाजत इंशाल्लाह तुहाडे नाल मुलाकात करांगे अगली वीडियो उदों तक तुसीं अपना बहुत बहुत ख्याल रखियो खुश रहो आबाद रहो हंसते वास्ते रहो तो नाले साडे वास्ते दुआ करते रहो। अगली वीडियो तक लैने इजाजत इंशाल्लाह तुहाडे वास्ते पिंड दे नज़ारे लैके हाजिर हुंदा रहांगे उदों तक रब रखा अल्लाह हाफिज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखियो।